में था, यहाँ रिमझिम गार्डन में वो आज सतीश मिश्रा जी आ रहे हैं। पता नहीं इंजेक्शन इधर दूर होगा। बीबीएफ के जलाशयों जगह मंच के पास आ जाएं और ये जो सम्मान्य साथी हमारे गैलरी में खड़े हैं इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि सामने जो सतीश मिश्रा साहब हमारे बीच में मौजूद है, उनका स्वागत देखना चाहते हैं। ललितपुर की जो सरजमी पे हमारे साथी हैं, हमारे ललितपुर की सरजमी पे मुकर स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत और सम्मान कर भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी में भी था, ये सभी को मालूम है। उनके लिए दलित समाज और ब्राह्मण समाज उसी प्रकार से जैसे भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से उसके विरोध में रहते थे। याद करिए वो जो कन्नौज से नीरज मिश्रा नाम का व्यक्ति था, लड़का था, नौजवान लड़का था, उससे नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए कि लखनऊ चले गए और कहा कि इसका कटा हुआ सर हमें तो लखनऊ में देखना है। उसके बाद अखबारों में भी निकला, मैगजीन में भी निकला, किस तरह से उसका कटा हुआ धड़ कुएं में मिला और उसका सर कटा हुआ काट करके वहां से लेकर के लखनऊ चले गए। किस तरीके से पार्टी ने बनवाने का काम किया था, कांग्रेस पार्टी ने समर्थन देने का काम किया था और तब इनकी सरकार बनी थी। ये आपस में मिले रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं और मिल करके ये काम करने का काम करते हैं। दंगे फसाद इन्हीं दोनों की यही दोनों मिलकर कराते हैं, लेकिन बहन मायावती जी की सरकार में एक अमन चैन का माहौल। इसको लौट करके इसके बारे में अध्ययन जरूर करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में और खुद नहीं सोचेंगे, आप खाली अपने तक सोच के रखेंगे तो इससे आपका फायदा नहीं होने वाला। इन बातों को आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, इन बातों को आगे ले जाने का काम करिए, अपने गांव में गांव गांव में ले जाइए, घर घर में ले जाइए, लोगों के बीच में ले जाइए और उनको ये बातें बताइए, उनको सामने इनका जो चेहरा है वो सामने लाने का काम करिए, इनका मुखौटा हटा करके असली चेहरा सबको दिखाने का काम करिए। इन बातों को जब बताएंगे तो इनका असली चेहरा अपने आप सबके सामने आ जाएगा। और इस संकल्प के साथ जाइए, ये संकल्प करिए, जो संकल्प आपने हमें बोलने के पहले किया था, समाजवादी पार्टी सरकार में जो उसके पहले थी उनको किनारे कर दिया गया था, उनको फिर से मुख्य धारा में लाने का काम बहन मायावती जी ने किया। उन्होंने जहां पूरे उन्होंने खाली ब्राह्मण समाज नहीं सब समाज के लिए काम किया, उन्होंने विकास पूरे उत्तर प्रदेश में करने का काम किया। 29,500 तो उन्होंने ग्राम जो सभाएं हैं जो कि अम्बेडकर नाम से है, अम्बेडकर गांव कहलाते हैं, उनको उन्होंने समग्र विकास करने का काम किया। 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल नए बनाने का काम किया, 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अनेकों हॉस्पिटल बनाने का काम किया, 7-7 यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बनाने का काम किया और एक यूनिवर्सिटी तो उसमें ऐसी बनाई है जो लखनऊ में जो भी जाता है वो देखता है विश्व में अपने आप में अकेली यूनिवर्सिटी है जो विकलांगजनों के लिए बनाई गई है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से उन्होंने उसको बनाने का काम किया जो विश्व में अपने आप में अकेली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। बहन मायावती जी ने बिछड़ती होती, फिरौती होती, बलात्कार होते हैं, उत्पीड़न होते हैं, हर तरह की किडनैपिंग होने लगती है, हर तरह के काम शुरू हो जाते हैं और दंगे फसाद होते हैं।
बहन मायावती जी की सरकार में एक भी दंगा फसाद नहीं हुआ। कानून द्वारा कानून का राज चलता है, वो इन लोगों की तरह नहीं मुंह देखा राज नहीं करते कि ये हमारा अपना है इसको छोड़ दो और वो दूसरा है इसको मार दो गोली मार दो। बहन मायावती जी ने तो अपने खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा, वो 15 दिन की पुरानी सरकार थी 2007 में, याद करिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट BSP का, उसने अपने हाथों में कानून को लेने का काम किया था, गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया था और कब्जा करने की कोशिश की थी, उसको अपने घर में बुलाया, आवास में बुलाया लखनऊ में बहन मायावती जी ने, और उसको वहीं से हथकड़ी पहना करके जेल में भिजवाने का काम किया था और पूरे 5 साल तक उसको वहां जेल में रखने का काम किया था, तब कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया था।